इस प्रकार की अटकलें सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। मैं मानता हूं कि दीपक जोशी जी कोई भी निर्णय लेंगे उसके ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। भैया ये बताएं, पूर्व मंत्री जो भाजपा के नेता भी हैं दीपक जोशी, सोशल मीडिया पर उस तरह की खबरें आ रही थी, अटकलें पार्टी छोड़ने का उनका बात सामने आ रही है, कांग्रेस ज्वाइन करने की भी बात हो रही है, बड़े नेताओं के भी बयान आ रहे हैं, क्या कुछ जो है आपका कहना है इस मामले को लेकर? ये सब बातें निराधार हैं। दीपक जोशी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके परिवार पूरा जनसंघ के जमाने से रहा है, और इस प्रकार की अटकलें सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। मैं मानता हूं कि दीपक जोशी जी कोई भी निर्णय लेंगे उसके ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और वर्षों वर्ष से पार्टी के को आगे बढ़ाने में निरंतर काम कर रहे हैं। अटकलों को लेकर क्या कहना है आपका जो सोशल मीडिया पर? ये राजनीतिक स्टंट है, अटकलें इस प्रकार की चलती रहती है, पर इस प्रकार की मुझे नहीं लगता कि कोई अटकलों में कोई सत्यता है, ये सब निराधार है। इसके पहले भी कई बार उनका दर्द झलता और जो है कैलाश विजयवर्गीय जी भी एक बार उनको जो है मनाने पहुंचे थे और कई बार इस तरह के वक्तव्य दे चुके हैं वो कि मेरे पास कई विकल्प खुले हैं, तो क्या माना जाए? मैं तो ये मानता हूं कि जो विगत दिनों अभी मन की बात का कार्यक्रम हुआ उसमें मतदान केंद्र पर मोदी जी की मन की बात को सुना है और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोशल साइट पर सारी चीज़ें जारी की है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या है पार्टी के अंदर भी। पार्टी में कुछ बातें बड़ा परिवार होने के कारण कुछ बातचीत आ भी जाती है, पर उसका बैठ के कहीं ना कहीं समाधान हो जाता है, और समय समय पर जब भी वो किसी बात को अवगत कराते तो हम प्राथमिकता के आधार पर उन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए सभी नेताओं से बात भी करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।